लोकसभा क्षेत्र हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब समाजवादी पार्टी का खाता खुलने वाला नहीं है। 2022 का या हम लोग तो जानते थे आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, अगर बेसमय उनका निधन नहीं हो गया होता तो यह सीट तो 2019 से 24 तक के लिए उनको चुन करके भेज ही दिया गया था। बहुत लोग सम्मान करते थे, लेकिन अगर वो सोचे कि श्री अखिलेश यादव जी कभी मुलायम सिंह यादव जी बन सकते हैं क्या? बन सकते हैं क्या? जोर से बताइए, बन सकते हैं क्या? मैं कल सुन रहा था टेलीविजन पे, अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि ये हमारी परंपरागत सीट है, हमारा गढ़ है। श्री अखिलेश यादव जी, अब पूरा उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, पूरी भी भाजपा का गढ़। उन्होंने कहा उनकी बहुत चुनाव लड़ रही है। रघुराज जी ने कहा कि मुलायम सिंह जी का शीर्ष चुनाव लड़ रहा है भाजपा से, वही कहा था आपने। अब उनको आप महत्व चुनता समाजवादी पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता कहते हैं हम तो श्री अखिलेश यादव जी से मिलने के लिए जाते हैं। जब मुख्यमंत्री थे तब नहीं मिलते थे लगता था, लेकिन अब न मुख्यमंत्री है न मुख्यमंत्री होने वाले हैं, तब भी मिलना मुश्किल रहता। ऐसा सांसद चाहिए जिससे आप मिल ना पाओ, ऐसा सांसद चाहिए जो आपके सुख दुख का साथी ना बने। मैं आप सबको आज यहाँ पर यही निवेदन और आह्वान करना चाहता हूँ, मेरे सभी यहाँ उपस्थित कार्यकर्ता साथियों, आप सब आज इस नामांकन के कार्यक्रम के समर्थन में यहाँ पर आए हैं। अभी हम लोग कई बार आएंगे, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में आएंगे। सभी यहाँ उपस्थित नेतृत्वकर्ता जो इस समय अभाव के कारण नहीं बोले वह भी आएंगे, लेकिन आपको एक ही शपथ लेकर के जाना, एक ही संकल्प लेकर के जाना है। मैं पूरी में कमल खिलाना ही नहीं है, इतने भारी अंतर से कमल खिलाना है, इतने भारी अंतर से कमल खिलाना है। इसलिए अखिलेश यादव जी को यह पता चल जाए कि अहंकार और गुंडागर्दी और दंगागर्दी के लिए यूपी ही नहीं मैनपुरी में भी अब कोई जगह नहीं। यूपी आज गुंडागर्दी से मुक्त हो गया है, दंगों से मुक्त हो गया है, अपराध से मुक्ति की ओर है और विकास की गंगा बह रही है। समाजवादी पार्टी को आपने समाजवादी पार्टी बनाने का जिम्मा तो 2014 में ही पूरा कर दिया था, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में 47 विधानसभा सीटों में सिमट करके रह गए और 2022 के विधानसभा सीटों चुनाव में बड़े बड़े दावे करने के बाद भी अकेले मैनपुरी लोकसभा में हम देखें तो हमारे दो दो माननीय विधायक यहाँ से जीत करके गए हैं और वह एक कैबिनेट मंत्री हैं, एक विधानसभा में मुख्य सचेतक हैं। अब इस क्षेत्र से लोकसभा में प्रतिनिधित्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए। समाजवादी पार्टी को वोट देने का मतलब क्या यहाँ विकास की शुरुआत होगी क्या? अगर विकास की गंगा बहना बहाना है तो श्री रघुराज साक्त जी को भारी मतों से आपको विजयी बनाने का काम करना, क्योंकि समाजवादी पार्टी को वोट देने का मतलब अपना वोट बर्बाद करना। और मैं यहाँ इस मंच के माध्यम से यहाँ के एक एक मतदाता से, यहाँ के गरीबों से, यहाँ के किसानों से, यहाँ की माताओं बहनों से, यहाँ के नौजवानों से, सर्व समाज से मैं हाथ जोड़ करके अपील करना चाहता हूँ, आप कमर का फूल खिलाइए, खुशहाली लाने का काम तो हम कर रहे हैं, उसको और तेजी से आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी। इसलिए बताना चाहता हूँ, अभी आपने पिछले दिनों देखा है श्री अखिलेश यादव जी आजमगढ़ से सांसद थे, आजमगढ़ में भी कमल खिल गया, वहां दिनेश लाल यादव निरहुआ भारतीय जनता पार्टी के सांसद बनकर के गए हैं। और रामपुर जो आजम खान का गढ़ था वहां पर भी कमल खिल गया, वहां हमारे घनश्याम लोधी जी भारी अंतर से विजयी होकर के माननीय मोदी जी की सेना का हिस्सा बन गए। 64 सांसद 2019 में हमारे जीते थे, 51% हमें प्रदेश में वोट मिला था और 2022 आते आते हमारे 64 से 66 हो गए हैं सांसद यूपी से। और 8-5 दिसंबर को आपको मतदान करना है, 8 दिसंबर को वोटों की गिनती होनी है
और 8 दिसंबर को शाम होने से पहले पहले मोदी जी के साथ उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के 67 सांसद हो जाएंगे। खलबली कितनी मची हुई है। अभी मैं देख रहा था यहाँ यूपी के अंदर 3 उपचुनाव हो गए हैं 2022 के विधानसभा के बाद, आजमगढ़, रामपुर और अभी गोला विधानसभा का लखीमपुर खीरी, 3 चुनाव हुए। तीनों उपचुनाव में श्री अखिलेश यादव जी को अपने चाचा की याद नहीं आई थी। अभी मैं देख रहा था कल समाजवादी पार्टी की स्टार प्रचारकों की सूची, और उस सूची में देख रहा था श्री शिवपाल यादव जी को भी उन्होंने स्टार प्रचारक घोषित किया। और आप जब आजमगढ़ और रामपुर का लोकसभा विधानसभा का जब गोला का उपचुनाव हो रहा था, श्री अखिलेश यादव जी एसी से बाहर नहीं निकले। निकले थे क्या? अब वो मैनपुरी में आना था, आए हैं कि नहीं आए? अभी वहां तो बाकी जगह तो नामांकन कराने भी नहीं गए। और मैं आप सब लोगों की अपील करके जा रहा हूं, आह्वान करके जा रहा हूं, मैं मैनपुरी के लोगों का दर्द जानता हूं, यहां की गुंडागर्दी जानता हूं, यहां की जमीनों मकानों दुकानों पर हुए कब्जे को जानता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भरोसा दिलाता हूं, जो अवैध कब्जे किए गए हैं वो तो खाली होंगे ही होंगे। भविष्य में 1 इंच जमीन कोई किसी की कब्जा करने का दुसाहस नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई रामराज साक्य जी के समर्थन में आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए और आप सबके माध्यम से मैनपुरी लोकसभा की एक एक जनता का आशीर्वाद मांगने के लिए यहाँ पर आया हूँ। जी को इस उपचुनाव में लोकसभा में भारी वोटों से विजयी बनवाने की अपील कर रही हूँ। मैं अपनी बात शुरू करूँ उससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, देश के रक्षा मंत्री रहे, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं आज यहाँ से आने के बाद सबसे पहले पूज्य महाराज स्वामी एकरसानंद जी के परम सिद्ध पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी सादानंद की सरस्वती जी का जो आकस्मिक गोलोकवासी हो गए हैं, आश्रम में भी जाना था जा नहीं पाया, उनके उत्तराधिकारी विश्व हिंदू परिषद का जो केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल उसके सदस्य महामंडलेश्वर हरिहरानंद सरस्वती जी महाराज, मैं अभी जब अगली बार आऊंगा तो वहां पर भी जाना होगा। कि आप सबको स्मरण होगा 2014 और 2019 में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उस समय हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी, आदरणीय मुलायम सिंह जी के सम्मान में इस लोकसभा क्षेत्र में प्रचार करने नहीं आए थे, याद है आप लोगों को? उसके बाद भी यहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री प्रेम सिंह साक्य जी को रिकॉर्ड अपने आशीर्वाद देने का काम किया। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में जाने से पहले श्री मुलायम सिंह यादव जी को मालूम था और उन्होंने आदरणीय मोदी जी को आशीर्वाद दिया था कि आप 2019 में फिर चुन करके आवे और आप देश के प्रधानमंत्री के रूप में देश को जो आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाने का काम करें। मैं आप सभी मैनपुरवासी एक एक कार्यकर्ताओं से, यहाँ की जनता जनार्दन से यह अपील करता हूँ, श्री रघुराज साक्य जी को भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में प्रत्याशी बनाया है, आप सब खुश हो कि नहीं बताओ, मुझे हाथ लाग बताओ। आप सबका फीडबैक जानने के बाद प्रदेश अध्यक्ष जी और जो प्रदेश की कोर टीम होती है वह नामों को भेजा और उसमें रामराज साक्य जी को यहाँ पर प्रत्याशी बना करके भेजने का काम किया है। पार्टी नेतृत्व ने अपना काम कर दिया, अब पार्टी के द्वारा प्रचार प्रसार का कार्यक्रम निरंतर चलेगा। लेकिन यह आप सबको पता है, मुझे भी पता है, मेरे पत्रकार मित्रों की बड़ी भीड़ है,
लेकिन जब से श्री रघुराज शास्त्र जी प्रत्याशी घोषित हुए हैं, सपा खेमे में खलबली मच गई। मच गई है कि नहीं मच गई है, बताइए। खलबली मच गई है। उनको मालूम है कि 5 दिसंबर को ये जो छोटा सा कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किए थे, यह स्थान छोटा पड़ गया। इसी प्रकार से मैनपुरी लोकसभा के मतदाताओं के लिए ईवीएम मशीन छोटी पड़ जाएगी। इतने कमर के बटन लोग दबा करके भारी अंतर से हम इसे ला करके श्री रघुराज शास्त्री जी को माननीय नरेंद्र मोदी जी की सेना में मैनपुरी का भी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए इसका काम करेंगे। करोगे तो मैं आप सबको एक ही नारा देकर के जा रहा हूँ, बाकी सब कुछ जाइएगा घोल। याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी और कमल का। उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2017 में हमारी पहली बार सरकार बनी, 2022 में हमारी दूसरी बार सरकार बनी, केंद्र में 2014 में हमारी पहली बार सरकार बनी और 2019 में दूसरी बार सरकार बनी। तीसरी बार भी उत्तर प्रदेश केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। आपको विश्वास है कि नहीं विश्वास है, बताइए। 2024 में भी मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। लेकिन अगर डबल इंजन सरकार के माध्यम से जो विकास की योजनाएं हैं वो मैनपुरी नहीं आएगी तो मैनपुरी का विकास अधूरा रहेगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, श्री रघुराज शास्त्री जी आपकी जो समस्याएं लेकर के आएंगे उनका समाधान लेकर के हम आपके पास आएंगे। लेकिन आप सबको यही जिम्मेदारी लेकर के जा रहे हैं। यहाँ मंच पे तमाम जिम्मेदार लोग बैठे हैं और मुझे ये कहने में कर मुझे पत्रकार की यदुवंशियों का क्या होगा। मैंने कहा ये अंदर की बात है, इस बार यदुवंशी भी लोकसभा के उपचुनाव में हमारे साथ है कि नहीं, बताइए। उसमें से भारी हिस्सा इस बार कमल के फूल की बटन दबाएगा, बाकी तो सब हमारा है, बाकी सब हमारा। और मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूं कम से कम 2 से 3 लाख वोटों के अंतर से श्री रघुराज शास्त्री जी मैनपुरी लोकसभा चुनाव जीत करके भारतीय संसद में आपके आशीर्वाद से पहुंचेंगे। आप सबसे लंबी बातें न करके अध्यक्ष जी को भी बोलना है और आगे के कार्यक्रम भी हैं। आगे जब आएंगे तो विस्तार से आप सबके बीच में जो कार्यक्रम बनेंगे उन कार्यक्रमों में रहेंगे, बातचीत करेंगे। बहुत लोगों के साथ आज फोटो भी नहीं खिंचा पाए, लेकिन जब फोटो खिंचाने का काम विधानसभा वाला करके करेंगे, लेकिन कमल खिलाएंगे, कमल खिलाएंगे, कमल खिलाएंगे या संकल्प लेकर के जाएं, यही अपील करते हुए देता हूं अपनी वाणी को विराम। जरा दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय श्री राम।